हेलो फ्रेंड्स, ठंडी का मौसम शुरू हो गया है तो क्यों ना चिक्की बनाया जाए। चिक्की ऐसे भी ठंडी में हमें खाना ही चाहिए और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आप लोग जैसे जानते ही हैं कि मूंगफली में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बच्चों को भी चिक्की दीजिए और ये ठंडी से हमें आराम पहुँचाते हैं। तो चिक्की बनाने के लिए कौन कौन से इन्ग्रीडियंट चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। और ये बिल्कुल मार्केट जैसी चिक्की बनके तैयार होगी, बिल्कुल क्रंची, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए चिक्की बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए एक बाउल मैंने ये मूंगफली लिया है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दिया है। थोड़ा आप मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा। और ये मैंने जो मूंगफली है उसे मैं रोस्ट करने के डाल दे रही हूँ। इसे धीमी आँच में रोस्ट करना है, बहुत ही धीमी आँच में, इसे चलाते हुए, लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। अगर आपने तेज आँच में रोस्ट किया तो मूंगफली ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। इस तरह से मैंने चिक्की के गुड़ को ले रही हूँ। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। इस तरह से जागरी को ले लीजिए आप। जागरी को आप जितना आपने सिंग दाना लिया था उतनी ही अमाउंट में जागरी ले लीजिए या उससे थोड़ा बेसी ले लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मूँगफली के दाने भी बिल्कुल सिकने सिकने को कलर चेंज हो रहे हैं और थोड़े से क्रैक क्रैक भी हो रहे हैं और इसके थोड़े थोड़े इसके स्किन कट रहे हैं। तो लग रहा है कि बिल्कुल हो गए। देखिए कितनी अच्छी आवाज़ से ये कर कर के आवाज़ भी होती है। और इसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है एक बर्तन में जिससे कि मूँगफली के दाने अच्छी तरह से ठंडे हो जाएँ। तब तक मैं फिर से एक इस कढ़ाई को फिर से मैंने पोंछ के चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच कड़वे में पानी डाला है और ये मैंने जागरी को तोड़ के रख लिया था जिससे कि ये जागरी अच्छी तरह से मेल्ट हो सके। अगर आप समूची जागरी डालेंगे तो मेल्ट होने में टाइम लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरह से चलाते हुए, जागरी को चलाते हुए इस तरह से हिलाते हुए आप इसको पकाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, बबल्स इसमें आने लगे हैं ना, कलर भी चेंज हो रहा है। इस तरह से मैं एक आटे की थैली को मैंने धो के तैयार कर लिया था। इसे मैं पोंछ के आपको दिखा रही हूँ। इसे आप इस तरह से पोंछ लीजिए और इसमें घी लगा करके इसे आप अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए जिससे कि इसमें आप चिक्की को जमाने के लिए अच्छा से ये काम हो सकता है। आप इसे प्लेट पर भी कर सकते हैं बट ये ज़्यादा ईजी रूप लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, जागरी में भी खूब बबल्स आने शुरू हो गए हैं। जब तक ये जागरी पक रही है तब तक मैंने इस बादाम को भी, ये ठंडे हो गए थे, इसे इस तरह से छिलके को हटा देना है और इसे प्लेट में थाली में निकाल करके इसके छिलके को फटकते हुए निकाल लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूँगफली बिल्कुल क्रंची मूँगफली तैयार हो गई है। इसे मैं फिर से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जागरी भी देखिए कुक हो गई है। इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में मैंने पानी लिया है। इस तरह से आप 2 बूंद को डाल के देखिए। इसे बहुत ही सावधानी से डालिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे डाल करके चेक करती हूँ मैं कि ये जागरी हमारी चिक्की बनने के लिए तैयार हुई कि नहीं हुई। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ये भी तैयार लग रहा नहीं हुई है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इलास्टिक की तरह ये खींच रहा है ना, तो ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसे भी और भी हमें पकाना होगा। धीमे आँच में ही इसे चलाते चलाते पकाइए और मोटी तले की कढ़ाई को यूज़ कीजिएगा जिससे कि नीचे से गुड़ जो है वो लगने ना पाए। इस तरह से आप चलाते हुए इसे कुक कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कलर भी थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगे हमारे जागरी के। इसे इस तरह से चलाते हुए फिर से इसे चेक करके देखती हूँ मैं कि ये फिर से कुक चिक्की के बनने के लायक तैयार हुए कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसे चलाते रहिए और ये चिक्की बहुत ही क्रंची बनती है, बिल्कुल मार्केट की जैसी। इसे मैं आगे बताऊंगी, इसके सीक्रेट बताऊंगी जिससे कि ये बिल्कुल देखने में सुंदर लगेंगी। इसे फिर से एक बार मैं चेक करके देखती हूँ कि ये अच्छी तरह जमने की कंसिस्टेंसी में आए कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरह से डाल करके इकट्ठा करके फिर से मैं चेक कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इकट्ठे तो हो रहे हैं। ये देखिए इकट्ठे हो गए, लेकिन ये देखिए तार की तरह खींच रहे हैं। तो बिल्कुल ये अभी इस तरह से जमने की कंसिस्टेंसी नहीं है। इस तरह से आप जल्दी मत कीजिएगा क्योंकि जल्दी करने पे ये बिल्कुल दांत पे चिप्पू चिप्पू की तरह होने लगेंगे। तो इसे बहुत ही पेशेंस के साथ में धीमे आँच में ही गुड़ को चलाते रहिए। इस तरह से ये चेक करने के बाद जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तभी इसमें आप सिंग दानों को मिक्स कीजिएगा, अदरवाइज ये जो है चिक्की अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको आगे सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए फिर से मैंने इसको चेक करने के लिए डाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इकट्ठे होने लगे ना। इसे अभी इस तरह से उठा के इसे चेक कर रही हूँ मैं। ये देखिए आवाज़ आ रहा है कट कट का, गिराने पे देखिए इसमें से कट कट की आवाज़ भी आती है।
ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे आप मैं तोड़ के देखती हूँ। आवाज़ तो आ रही है कट कट की, बट इसे तोड़ के देखती हूँ मैं। इसे इस तरह से तोड़ रही हूँ तो ये देखिए अभी भी बिल्कुल चॉकलेट की तरह टूटना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा इसमें ताकत लगाना पड़ रहा है, काफ़ी हद तक हो गया है, लेकिन इसे थोड़ा सा भी और कुक करने की ज़रूरत है। तो इसे आप फिर से इस तरह चलाते हुए कुक कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी जागड़े की कंसिस्टेंसी बात काफ़ी गाढ़ी हो गई है, ये काफ़ी थिक हो गया है। तो इसमें एक सीक्रेट मैं इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रही हूँ, जिससे कि हमारी चिक्की एकदम बिल्कुल बाजार की तरह कुड़कुड़ी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जागड़ी को फिर से कुक कर लिया मैंने थोड़ा सा और। तो आप इसे कलर को देख के घबराइएगा मत कि ये जागड़ी थोड़ी सी ज़्यादा काली काली पड़ रही है, तो कहीं ख़राब ना हो जाए हमारी चिक्की, तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं इसे चेक कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे सबको इकट्ठा करते हुए और आप चेक करने चक्कर में जागड़ी को चलाना मत भूल जाइएगा, नहीं तो ये नीचे से फट से लग सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे उठा करके आप देख रही है मैं, देखिए ये चॉकलेट की तरह टूट रहा है ना इस तरह से। इसका मतलब हमारा जागड़ी बिल्कुल भी तैयार हो गया है चिक्की बनाने के लिए। इस कंडीशन में अब मैं इस पर फटाफट से इसे अब आपको काम फास्ट करना है। इसे मैंने थोड़ा सा मैंने करीबन 1/3 टीस्पून मैंने खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ मैं। इसे देखिए, ये जागड़ी देखिए बिल्कुल फ्लफी भी हो गए हैं और इसे कलर भी चेंज हो गए हैं। और फटाफट मूंगफली के दाने को मैंने डाल दिया और गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया और फटाफट बहुत तेज़ी से इसे जल्दी जल्दी इसे फटाफट मिक्स करना है। ये काम आप बहुत ही स्पीड करना है क्योंकि ये फटाफट जमने लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्स कर दिया इसे मैंने। अब इस जो मैंने पेपर जो मैंने एक प्लास्टिक की सीट दिखाई थी ना मैंने, उसमें फटाफट में इसमें इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया इसे। इसे फटाफट इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ मैं। ये मैंने ग्रीस करके आपको पहले से ही रखना है, ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ग्रीस करके रखी थी मैं, इसे फटाफट इस तरह से स्पीड से फास्ट इसे ट्रांसफ़र कर दिए इसमें। और इसे दोनों साइड मैंने ग्रीस किया था, तो इस तरह से इसको कवर करके और जल्दी जल्दी इसे बेलन से स्प्रेड इवनली स्प्रेड कर दीजिए। तो देखिए हमारी चिक्की बन के बिल्कुल क्रंची चिक्की बन के तैयार होने वाली है। इसे स्प्रेड कर दिए इस तरह से, बेलन से आप बेल लीजिए। आप अपनी थिकनेस के अनुसार, आपको पतला चाहिए तो और आप तेज़ी से बेल सकते हैं, और अगर मोटी रखेंगे तो थोड़ा सा कम दबाव डालते हुए बेल लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, चिक्की ठंडी नहीं हुई, लेकिन मैंने इसे उतार दिया है। अभी हल्के हल्के चिपक रही है, तो आप बिल्कुल ठंडे होने पर उतारेंगे तो आपकी चिपकेगी भी नहीं और बिल्कुल ईजी रूप की चिक निकल आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे बिल्कुल सेट होने के पहले ही इसे मैं इसमें कट लगा देती हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल शेप में, कट के शेप में बिल्कुल मार्केट के ऐसा शेप में आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, फटाफट मैंने इसमें कट लगा लिया है। ये ठंडी हो गई चिक्की हमारी, ये देखिए कितनी ईजी रूप में, देखिए फटाफट टूट रही है, फटाफट बिल्कुल क्रंची बन के एकदम तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स,